नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे पाम तेल में, जहां पर दो साल के हाईस पर प्राइसेज हैं। यहां से कहां जा सकती है रेंज बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे चीनी की, जहां पर मिलों की क्रशिंग यहां पर बहुत जल्द शुरू होने वाली है। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर यूपी और सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में यहां पर महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी पिराई शुरू हो जाएगी, तो किस तरह के नंबर्स हैं इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, हल्की मुनाफा वसूली आई है तो क्या ये अच्छे लेवल्स हैं खरीदने के, ये भी बताएंगे आपको। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं एसडी गुथरी के सीईओ संदीप भान, आईसा के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी एंड केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया। शुरुआत लेकिन यहाँ पर पाम तेल के साथ कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी खासी तेजी यहाँ पर है। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप प्राइसेस को फिलहाल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग गेन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। पाम में हमने करीबन दो साल के हाईज यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। अजय, आपसे पहले जान लेते हैं कि आपको क्या लगता है कहाँ जा सकती है मार्केट्स। अजय, आप म्यूट पर हैं। नहीं, अजय आपकी आवाज यहां पर नहीं आ रही है। पाम तेल आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर हमने जोरदार तेजी बनते हुए देखी है। अगर पिछला एक महीना देखें तो करीबन 11% की बढ़त के साथ यहां पर कारोबार है। एक्चुअली पाम में इसलिए भी तेजी है क्योंकि बाकी एडिबल ऑयल्स में भी यहां पर बढ़त देखने को मिली है। अगर आप सोयाबीन उठा के देखें या पाम कनोला, यहां पर वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ और साथ ही साथ इस साल में जिस तरह की बढ़त देखने को मिली है, वो डबल डिजिट गेन यहां पर रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी की जो हाइक है उसका सीधा सपोर्ट हमने यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देखा, और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तेजी है उसका भी यहां पर असर है। अजय, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एडिबल ऑयल एज अ स्पेस को? वेरी गुड मॉर्निंग मनीषा जी। डेफिनेटली अगर पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो काफी बड़ी गिरावट के बाद अब मार्केट अच्छा पॉजिटिवली मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो फैक्टर होता है कि पाम ऑयल को ट्रैक करना। जिस ढंग से पाम ऑयल में हमने 44 का एक लेवल होल्ड करने के बाद अब जो मोमेंटम बन रहा है, ये मुझे लगता है 4650-4700 तक का भी लेवल दिखा सकता है। नो डाउट मलेशिया के जो एक्सपोर्ट एस्टिमेट्स आए हैं, यहाँ से कुछ क्लैरिटी और बनते हुए दिखाई देगी, बट हम जानते हैं कि क्वार्टर फोर वैसे भी स्ट्रांग रहता है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है टेक्निकली 4680 से 4700 तक हम रिंगिट में देख सकते हैं, और उसी का कैस्केडिंग इफेक्ट चाहे सन ऑयल हो चाहे कॉटन वॉश ऑयल हो, सभी पे हम इस पे इंपैक्ट पॉजिटिव आते हुए देख पा रहे हैं। ओके, साथ ही साथ बाकी एग्रो में अब यहाँ पर क्या सेंस है अजय, क्योंकि कुछ बहुत तेजी हमने यहाँ पर मसालों में बनते हुए देखी थी। बाजार का मानना है कि यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए लेकिन शॉर्ट नहीं करना चाहिए, तो विद इन दिस स्पेस आपकी एक बेस्ट पिक क्या होगी? बिल्कुल मंजय जी, अगर हम बात करें पूरे एग्री पैक में काफी पैसिमिज्म वॉल्यूम्स को लेकर भी था, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। खास करके सबसे पहले मैं हल्दी की बात करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि बैलेंस शीट काफी टाइट है, डिस्पाइट इट मार्केट बिल्कुल उठ नहीं रहा। अगर टेक्निकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो ओआई में फॉल है, वॉल्यूम में फॉल है, प्राइस में फॉल है, ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का साइन देता है। और विद टाइट बैलेंस शीट मुझे लगता है कि जल्द हम इसमें एक बड़ा जंप आते हुए देखेंगे, जहां पे 13700 का भाव इस वक्त चल रहा है, 13400 के स्टॉप लॉस से लेना चाहिए, 14,500 तक का लेवल हम देख पाएंगे, क्योंकि इस बार रमजान भी जल्दी है और साथ में अभी जो जाती हुई मानसून की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका भी इम्पैक्ट हम देखेंगे। वहीं अगर जीरे की बात करें, कंफर्टेबल स्टॉक लेवल है जिसके लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फायरवर्क्स नहीं है, बट मुझे लगता है 24,800-9,000 एक बेहतरीन लेवल है लेने के लिए, क्योंकि रमजान की डिमांड इस बार जल्दी रहेगी तो ओल्ड स्टॉक मार्केट में जल्दी निकलता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से वापस 25,500 तक के लेवल देख पाएंगे। एंड लास्ट अगर हम धनिया की अगर बात करें तो धनिया के अंदर इस बार स्विंग कम रहने की उम्मीद है, पिछले 2-3 सालों से भाव बिल्कुल भी चले नहीं है, और रिसेंटली हमने एक अच्छी खासी 12-15% की तेजी भी देखी 6800 से 7500 का। तो मुझे लगता है कि 7300 इज गुड टू बाय, 7200 का स्टॉप लॉस, 7600 तक का टारगेट हम धनी में, तो पूरे मसाले में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। ऑलराइट, तो मसालों में खरीदारी की राय यहां पर है, सभी मसालों में तेजी है और वो टारगेट्स आपको यहां पर दिए ही गए हैं। लेकिन बात यहां पर फिर से खानों के तेलों की तरफ करते हैं, और हमारे साथ अब एसडी गुथरी इंटरनेशनल ट्रेडिंग के संदीप भान जुड़ चुके हैं। संदीप नमस्कार, मुझे याद है पिछले दो बार आपने लगातार यहां पर तेजी की बात की है और हमने वो प्राइसेस यहां पर बनते हुए देखे भी हैं, दो साल के हाईस पर अब यहां पर प्राइसेस वीक मंथ ईयर सब यहां पर अच्छी खासी तेजी के साथ बनता हुआ नजर आया है। एक्चुअली अगर पिछले एक महीने की बात की जाए तो 12% की बढ़त अब हमने यहां पर पाम तेल में आते हुए देखी है, क्या रीजंस हैं और अब यहां से क्या प्राइस सेंस है? देखिए, अभी जो इंडिया की ड्यूटी हाइक हुई थी उसके बाद इंडिया ने बड़ी एग्रेसिव बाइंग की, उसके चलते वो बाजार 4100 से 4300-4400 रिंगेट ऑन द फ्यूचर्स मार्केट तक आ गया था। उसके बाद इंडिया की बाइंग थोड़ी सी थम गई, रुक गई, और
चाइनीज फंड्स का मार्केट में रूमर आ गए कि वो बाइंग में आ गए और उन्होंने चलते चलते इस प्राइस को 4600 तक ले गए। अभी आज के इस फंडामेंटल्स को बेसिस पर देखते हुए अब एंटिसिपेशन ऑफ इंडियन बाइंग इन कमिंग मंथ्स एंड चाइनीज बाइंग फॉर द चाइनीज न्यू ईयर प्लस फेस्टिवल डिमांड ऑफ ईद की जो आने वाले अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में आएगी, इन सब को देखते हुए जो फिजिकल डिमांड की एंटिसिपेशन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू सप्लाई की, जो वो चीज इसको बाजार को ऊपर में बनाए रख रहा है। क्योंकि 44 के लेवल्स हम यहां पर संदीप देख चुके हैं, क्या और हायर हाईज यहां पर बनते हुए नजर आएंगे गिवन द फैक्ट कि प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में भी हमने एक्सपोर्ट के नंबर्स और प्रोडक्शन दोनों ही यहां पर ऑन द पॉजिटिव साइड देखी है? देखिए मार्केट्स ग्लोबली एवरी मार्केट हैज नाउ टू एडजस्ट टू दिस हाई प्राइसेस। अभी एडजस्टमेंट ऑफ कई मार्केट्स ने इन प्राइसेस को डाइजेस्ट करा नहीं है एट करंट लेवल्स, फिजिकल बाइंग बहुत रुक गई है जिसके चलते ऐसा अब थोड़ा टाइम लगेगा इस मार्केट को फ्रेश प्राइसेस इन प्राइसेस को एक्सेप्ट करने में। क्या ये प्राइसेस मार्केट एक्सेप्ट करेगा, वी हैव टू सी दैट। द ओनली थिंग इस टाइम व्हाट फेवर्स पाम इज अभी सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई है नहीं उतनी, सनफ्लावर इज शॉर्ट इन सप्लाई, देन वी हैव ओनली वी आर डिपेंडेंट नाउ ऑन सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल का चैलेंज अभी ये है कि आप अगर आज सोयाबीन ऑयल खरीदते हैं तो आते आते फरवरी मार्च में आ जाएगा अगले साल, नवंबर दिसंबर शिपमेंट वुड बी बेसिकली फरवरी मार्च अराइवल, एंड द ओनली ऑप्शन फॉर दिस पीरियड अगले 3-4 महीने में है is everybody is going to be dependent on palm, और palm की supply आने वाले महीनों में घटती ही जाएगी, कम होती जाएगी, उतनी supply हो है नहीं compared to the demand that we foresee is coming. This shift in demand from other oils to palm is going to continue to lend support to the palm. पर इस prices पे अब what is critical is whether globally all markets will digest these prices. Right, digesting is one part, लेकिन संदीप अब यहाँ से prices कहाँ जा रहे हैं? 45, 46 या आपको लगता है जब तक ये करंट प्राइसेस डाइजेस्ट नहीं होंगे तब तक हम शायद अब इसको कंसोलिडेट होता हुआ देखेंगे करंट लेवल्स पे? यस, आई डू फील दैट वी आर इन अ कंसोलिडेशन मोड। 4500 के आसपास अब कंसोलिडेशन होना चाहिए। मार्केट इज इन टू अ हेवीली ओवरबॉट कंडीशंस, सो वी हैव टू सी सम टेक्निकल करेक्शन, बट दैट करेक्शन विल नॉट बी अ ह्यूज करेक्शन। और वो करेक्शन कहां तक आ सकती है? आई फील मे बी 100-150 रिंगेट करेक्शन शुड बी देयर। All right. और एक फाइनल सवाल यहाँ पर, जैसे पाम तेल में जो तेजी है वही चीज हमने बाकी एडिबल ऑयल्स में भी आते हुए देखी है, क्योंकि अगर इस साल की बात की जाए तो सन, कनोला, सोयाबीन इंटरनेशनल मार्केट्स में सभी जगह यहाँ पर तेजी रही है। आपको लगता है ये ओवरऑल ट्रेंड इस क्वार्टर में और अगले साल के पहले क्वार्टर में जारी रहेगा? सारे अदर एडिबल ऑयल्स को जो अब स्ट्रेंथ है इट्स कमिंग फ्रॉम पाम। ओके, आज पाम सब इट यूज्ड टू बी अ टाइम कपल ऑफ इयर्स बैक व्हेन other oils would give support to palm, now we are in a reverse direction, now palm is giving support to the other oils. All right, clearly Sandeep, ye Diwali aapke liye bahut behtareen hone wali hai, jis tarah ki tezi palm mein humne aate hue dekhi hai, jaisi demand yahan par aate hue nazar aayi hai, aur jo aapne forecast predictions ki thi wo bhi absolutely on the mark rahi hai, jis tarah ki tezi humne yahan par prices mein bante hue dekhi hai. As always, bahut shukriya hamare sath judne ke liye aur uska analysis bhi karne ke liye. ये तो बात हुई पाम तेल की और खाने के तेलों की जहां पर जोरदार तेजी है, लेकिन बात अब यहां पर चीनी की कर लेते हैं। और हमारे साथ आइस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार। ये एक और सेगमेंट है जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में पिछले एक साल में बहुत ज्यादा उठापटक देखने को मिली है, मंथ ऑन मंथ पॉजिटिव है, ईयर ऑन ईयर YTD ऑफकोर्स एक गिरावट देखने को मिली है क्योंकि हमने 23-24 तक के लेवल्स यहाँ पर बनते हुए देखे थे। अब क्योंकि क्रशिंग सीजन एकदम करीब है, आप क्या क्यूज लेके इस फेस्टिवल सीजन, इस क्रशिंग सीजन में जा रहे हैं? फेस्टिवल सीजन में यही है कि अगला एक साल इंटरनेशनली शुगर के लिए काफी अच्छा रहेगा, इंडिया के लिए नहीं रहेगा। इंडिया के लिए नहीं रहेगा क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 8 मिलियन टन का है और गवर्नमेंट ने अभी आज के कोई बिजनेस न्यूज़पेपर पे देखा गया है कि MSP नहीं बढ़ाने वाले हैं और इथेनॉल के प्राइसिंग का भी कोई पता पता दिखता नहीं है, तो ये इंडस्ट्री और फार्मर्स के लिए नेगेटिव है। ज्यादातर फार्मर्स के लिए नेगेटिव है और इंडस्ट्री के लिए नहीं है, जबकि इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं तो ब्राजील में ड्रॉट, फायर, ये सब चीजें जो इंसिडेंट हुई है तो वहाँ का प्रोडक्शन नीचे होने जा रहा है और टोटल वर्ल्ड में जो अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर है वो भी एक साल के लिए अभी क्रिटिकल रहने वाली है। तो एक्सपोर्ट का दायरा तो खुल जाएगा पर एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट जनवरी एंड में या फरवरी फर्स्ट वीक में अभी एक उम्मीद लास्ट बची है ऐसे कह सकते हैं,
क्योंकि जो जिस ढंग से एमएसपी के और इथेनॉल के न्यूज आ रहे, कहीं पॉजिटिवनेस दिख नहीं रही है। और पूरा सुगर सेक्टर रेगुलेटेड इस तरह से जैसे ईडी संभाल रहा हो, तो हमारे पास तो कोई उम्मीद बची नहीं है इंडियन इंडस्ट्रीज और फार्मर्स दोनों के लिए। प्रफुल जी, आप यो तो बात सही है, लेकिन क्रशिंग सीजन जल्दी यहाँ पर शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ जो एथेनॉल के टेंडर्स हैं वो भी यहाँ पर मार्केट में आने शुरू हो गए हैं। प्राइस में यहाँ पर हमने रिविजन आता हुआ नहीं देखा, तो एज एन इंडस्ट्री फिर ये सारी डेवलपमेंट्स कैसे आप लोग एडजस्ट कर रहे हैं इन सबको? मनीषा जी, आपकी बात एकदम सही है कि जो इथेनॉल का एलोकेशन आया है वही एक मरते हुए को पानी पिला रहा है। एक ऐसा हो गया है कि रिसर्च एनालिस्ट की पेपर्स पर से 3.7 मिलियन टन का स्टॉक कम हो गया। जैसे 8 मिलियन टन में आपको ओपनिंग स्टॉक बोल रहा हूँ, तो 8 में से ये 4 मिलियन टन कम हो जाता है, तो अभी वी आर ओपन विथ ओनली 4 मिलियन टन ऑफ सुगर, जो कि हमारे पास 8 मिलियन टन सुगर है। पर जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें अपने को ये दिखा जाएगा कि 4 मिलियन टन का ऑलरेडी टेंडर हो चुका है और सबमिशन भी हो गया है। सुगर केन जूस जो है उससे करीबन 32 लाख टन चला जाएगा, और जो बी हेवी मोलासिस है उससे करीबन 6, तो 38 लाख टन का तो वही चला जाता है। 78 का ओपनिंग स्टॉक में से 38 जाने से 40 लाख टन बचता है शक्कर, और ये पॉजिटिव एक थियरी बनती है। पर जैसे आयिस्ता की ओर से मैंने काफी बार आपके चैनल से बोला है कि हम एमएसपी की जो इंक्रीमेंट चाहते हैं वो हम इसलिए चाहते हैं कि सीजन के टाइम पे बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चीनी बिकी नहीं जावे। हमको इन्फ्लेशन बढ़ाने के मूड में नहीं है। अभी देखिए ऐसा ही हो गया तो आज सोलापुर में करीबन 34.70 में चीनी बिक गई। अब कहाँ पे 35.5 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और 80 पैसा नीचे अगर इंडस्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे बेचने लगेगी, तो ये जो फैक्टर है वो सिर्फ 7 या 8% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रीज है जिसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होने से वो बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेच के जाते हैं। और पॉलिटिकली भी रिलेटेड रहती है कि इलेक्शन के टाइम में फार्मर को पैसा दिया जाए, तो ये गलत भाव में बेच के जाते हैं। पर वो 92 जो सिंसियर और रियल इन्वेस्टर और जो रियल इंडस्ट्री चलाते हैं वो 92% इंडस्ट्रीज के लिए बड़ी तकलीफ की बात हो जाती है 4 महीने के लिए। तो अगर आपको नई सुगर मिल लगानी है तो यही समझ के चलो कि जो सीजन के 5 महीने है वहां पे नुकसानी करो, 7 महीने में गवर्नमेंट माय बाप है, कुछ मेहरबानी हो गई आपकी तो आप संभल लो अपने आपको। ऑल राइट, प्रफुल विटलानी जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कहा गया कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 8 मिलियन टन के आसपास का है और जो नंबर्स यहाँ पर फिलहाल निकल के आ रहे हैं थोड़ा प्रेशर दिला सकते हैं अगर सरकार ने यहाँ पर मिनिमम सेलिंग प्राइस और साथ ही साथ एथेनॉल की प्राइस रिविजन यहाँ पर बहुत जल्द नहीं दिया तो। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे सोने चांदी के प्राइसेस की। ब्लैकवेल, we have all of the libraries, acceleration libraries that we were talking about before, but on top, there are two very important platforms we're working on. One of them is called NVIDIA AI Enterprise, and the other one is called NVIDIA Omniverse, and I'll explain each one of them very quickly. First, NVIDIA AI Enterprise. This is a time now where the large language models and the fundamental AI capabilities have reached a level of capabilities we're able to now create what is called agents. Large language models that understand the data that, of course, is being presented. It could be streaming data, it could be video data, language model data, it could be data of all kinds. And the first stage is perception. The second is reasoning about, given its observations, what is the mission and what is the task it has to perform. In order to perform that task, the agent would break down that task into steps of other tasks. And it would reason about what it would take, and it would connect with other AI models. Some of them are good at, for example, understanding PDF. Maybe it's a model that understands how to generate... Well, as जैसे जैसे हम दिन में आगे जाएंगे, हम आपको वो विजुअल्स और वो fireside chat जिसका आपको इंतजार है, जहां पर NVIDIA के Jensen और of course मुकेश धीरूभाई अंबानी यहां पर बहुत जल्दी बातचीत करेंगे और तब तक ये आते हुए वहां के विजुअल्स हैं। लेकिन बात तब तक, जब तक हम उसका इंतजार करते हैं, यहां पर सोने चांदी के प्राइसेस को एक बार देख लेते हैं, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली के साथ कल कारोबार था। अजय, जो करंट लेवल्स हैं जहां पर थोड़ी सी करेक्शन हम आता हुआ देख चुके हैं, जो शायद मच नीडेड भी थी, जिस तरह का 1 वे ऑल टाइम हाईज दोनों ही कमोडिटीज यहां पर बना रही थी, अब इस करंट लेवल्स पे आप क्या करने की राय देंगे इन्वेस्टर्स को, खरीदारों को?
मनीषा जी, लॉन्ग टर्म व्यू में कोई चेंजेस नहीं है। जिस ढंग से हमने गिवन डेटा पॉइंट बोल सकते हैं, इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो, कल भी हमने बैंक ऑफ कनाडा का रेट कट देखा, तो ये लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली इंटैक्ट रहता है। और जो मार्च तक मुझे लगता है $3,000 डेफिनेटली दिख जाएगा M6 पे, हम 84-85 देख रहे हैं। बट जो कल का फॉल बैक था वो जैसे आपने बताया मस्ट डिजिट था, क्योंकि RSI 80 के ऊपर पहुंच चुकी थी और ऐसे टाइम पे करेक्शन दिया था। मुझे लगता है कि अगला 2 दिन, आज और कल का जो डेटा पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग का मौका देता है। तो दिन में तो मार्केट मुझे तेज लग रहा है, जो 78 पे लेके चलिए, 77-700 का स्टॉप लॉस, लेकिन अपसाइड बहुत ही लिमिटेड रहेगा। 78-500 तक जाएगा और वहां से एक करेक्शन अभी भी ड्यू है, क्योंकि नया ट्रिगर अभी एज ऑफ दिख रहा नहीं। डॉलर इंडेक्स भी 104 के ऊपर आ चुका है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो एक माइटी फिगर 1 लाख का था, जो पिछले काफी समय से हम वेट कर रहे थे, वो कल हमने 1,01,000 के आसपास 1 लाख का लेवल टच किया और वहां से गिरावट आई। इसका मतलब है एक सेंटिमेंट बन चुका है लोगों का कि लाख हो चुकी है चांदी, बट चांदी में भी जिस्ट काफी ज्यादा बाकी है। टाइमिंग आज दिन के सेशन में चांदी में एक बाउंस मिल सकता है जो करीबन 97,800-98,000 के आसपास रहेगा, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। एक प्रॉफिट बुकिंग जो कल से स्टार्ट हुई है वो मुझे लगता है कल शुक्रवार भी ये कंटिन्यू रहेगा। जो नीचे में बेस मुझे लगता है 95,500 तक मिलेगा, वहां पे रिव्यू करके फिर से लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना चाहिए। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी गिरावट है, बट अभी भी अगर हम महीने डेढ़ महीने की बात करें तो बाय ऑन ड्रॉप का ही रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। ऑलराइट, तो यानी कि कुछ करेक्शंस यहां पर सोने और चांदी दोनों में आती रहेंगी, लेकिन ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, तेजी आगे बरकरार है और आप डिप्स पे खरीदारी करके ही अपना पोर्टफोलियो फिलहाल यहां पर बनाएं। अजय, मेटल्स पे आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स उठापटक यहां पर भी है, लेकिन बाजार ने काफी भरोसा जताया है कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स का, एल्यूमिनियम स्पेशली, क्योंकि 4 महीने के हाईस के बहुत करीब अब यहां पर कारोबार है। बिल्कुल, पूरे बेस मेटल में काफी सरप्राइजिंग रहा कॉपर, लेकिन जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उसमें सबसे खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला एल्यूमिनियम, फिर जिंक और लास्ट है कॉपर। तो एल्यूमिनियम में हमने देखा कि चाइना थोड़े बहुत चाइना से वापस बाइंग एक्टिविटी बढ़ी है, जो स्टेप्स लिए गए हैं। रशियन या बॉक्साइट की बात करें तो वहां पे भी हमने थोड़ा सा टाइटनेस देखा है, जिसकी वजह से रैली बनी है। टेक्निकल चार्ट पे 240 के ऊपर ये ब्रेकआउट दिखा रहा है, जो मुझे लगता है करीबन 248 तक का लेवल दिखा सकता है। तो करंट लेवल पे बाइंग कीजिए, 237 का स्टॉप लॉस लगाइए, हफ्ते भर का व्यू लीजिए जो 248 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं सबसे ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग अब जो दिख रहा है वो दिख रहा है जिंक, क्योंकि डिस्पाइट जो 15 दिनों में हमने हैवॉक देखा, बेस मेटल में गिरावट देखी, बट जिंक ने कहीं पे भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो मुझे लगता है ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, करंट लेवल से भी एंटर कीजिए, 286 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। 312 तक के लेवल हम जिंक में देखेंगे। लास्ट अगर कॉपर की बात करें, अभी तक ये पार्टिसिपेशन बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा है, बट गिवन कि बाकी बेस मेटल में रिकवरी बन रही है और जो स्टिमुलस है उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा, स्लो एंड स्टडी मूव करेगा करंट लेवल से, इसमें भी बाइंग करना चाहिए। नेक्स्ट मंथ में जो 840 का भाव चल रहा है, 834 का स्टॉप लॉस लगाइए, 855 तक का लेवल हम नेक्स्ट मंथ फ्यूचर देख पाएंगे। ऑल राइट, सो तेजी यहां पर आगे भी बरकरार है, स्पेशली मेटल्स में देखते हुए। इवन एज डॉलर इंडेक्स आज यहां पर 104 के ऊपर कारोबार कर रहा है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि चाहे वो सोना चांदी है या फिर काफी सारे के सारे मेटल्स हैं, यहां पर तेजी बरकरार है। अजय, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने का, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। और इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो ऑफकोर्स नजर रखेंगे उस निवेडिया AI समिट पर और साथ ही साथ बात करेंगे इक्विटीज की।